तो किसी को कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछिए, हेलो, बोलिए। नमस्ते मटारे जी। मैं हाँ जी नमस्ते। जानना चाहती हूँ कि जो आपका रसाहार डाइट है 15 दिन का, तो अगर उसको लेते हैं तो क्या हमें दिन में एक बार अनाज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? देखो पहली बात तो मैंने क्या कहा कि जब आप सफाई करते हो, आप अपने घर की फर्शी को जब साफ करते हो तब आप उसमें डिस्टर्ब होना पसंद करोगे क्या? आपका कितना भी कोई लाडला व्यक्ति घर में हो, आप फर्शी को पोंछ रहे हो और वो अंदर बाहर करेगा तो आप गुस्सा नहीं होगे? आप कहेंगे थोड़ी देर बाहर रुक जाओ, मैं सफाई कर रही हूं, सफाई होने के बाद आओ अंदर आओ। उसी प्रकार हम जब बॉडी को रसार कर रहे हैं तो खाना क्यों? अगर खाएंगे तो रसार में क्या होगा, शरीर को फिर पाचन पोषण निष्कासन काम चालू होगा। जैसा आप खाते हो ना, शरीर को काम चालू हो जाता है, कितना? 14 घंटे का। मुझे बताओ अपने शरीर की 14 घंटे की शक्ति आप लॉस कर रही है, उतनी शक्ति आप अगर सफाई में लगा दोगी तो फायदा किसका होगा? आपका होगा। मुझे बताओ पूरी जिंदगी भर खाना खाया है और आगे की जिंदगी भर भी खाना है, मैंने कभी भी कोई भी लेक्चर में ऐसा कहा है क्या कि ये मत खाओ वो मत खाओ? मैं कहता हूं जो खाना खाओ, भट्टी तप गई तो लोहा पिघलता है, नहीं तो कागज भी धुआं निकलता है। हमारी भट्टी कमजोर है ना, इसको सफाई के लिए 15 दिन मत खाओ ना, 15 दिन रसार करो ना, कौन सा क्या प्रॉब्लम आने वाला है आप बताओ ना। मुझे घास खाने वाला बैल थकान नहीं महसूस करता है ना, संडे को छुट्टी मांगता है, और हम लोग खाते पीते दोपहर को आराम करते हैं, शनिवार रविवार छुट्टी मांगते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एसिड बहुत है, जितना एसिड ज्यादा उतना बुढ़ापा ज्यादा, थकान ज्यादा, कमजोरी ज्यादा, बीपी के प्रॉब्लम आएंगे, बॉडी में सूजन आएगी। थोड़े दिन मानो, 15-20 दिन क्या है क्या? लॉकडाउन में दो दो चार चार महीने घर में निकाले हमने, किसको पसंद था लॉकडाउन, फिर भी हमने निकाले ना घर पे। तो मुझे बताओ इसको लॉकडाउन कब करोगे? बॉडी को लॉकडाउन करो, 15-20 दिन का खेल है, कोई ज्यादा नहीं है। तो आपको नहीं खाना है, पर आपका माइंड अगर कमजोर है ना तो मैं कहता हूं चलो दो चार रोटी खा भी लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको जल्दी नहीं है। अरे आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि दोनों बार का पकाया खाने वाले, सुबह नाश्ता करने वाले आप सब लोग, ये कोई साधारण लोग नहीं, बड़े हिम्मतवान हो। कम से कम दोपहर का तो छोड़ा, नाश्ता तो छोड़ा, अरे ये हिम्मत क्या कम है क्या? मैं कहता हूँ चलो इतना तो किया ना आपने, तो भी आपको मेरा नमस्कार है। धीरे धीरे आगे जाके अगर आप नहीं कर पाते तो आगे जाके फिर 2 दिन 2 टाइम का रसार बाद में चालू करना, पर आप में हिम्मत है तो पहले दिन से आप दोनों समय का रसार करना, फिर देखिए आपका कितना फायदा होगा, बहुत फायदा होगा।